नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। शाम के 5 बजने को है और शंखनाद के साथ मैं हूं प्रत्युष करे। शंखनाद का हमारा आज का कारवां पहुंचा है प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में। वो चित्रकूट जहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के तकरीबन 11 वर्ष यहां पर बिताए थे। लेकिन यहां की सियासत में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वनवास जो है यूपी की सत्ता में लगभग 30 सालों का हो गया है, तो वहीं बीएसपी का लगभग 9 से 10 साल। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बहुत जल्द 5 साल के बाद दोबारा हम सत्ता में आने वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि दोबारा से बीजेपी आने वाली है, फिर से यहाँ पर कमल खिलेगा। आपको बता दें कि 1996 से लेकर के 2012 तक चित्रकूट में बीएसपी का दबदबा था। हालांकि 2012 में एक सीट समाजवादी पार्टी के पास जरूर चली गई थी, लेकिन 2017 में सबका सफाया हुआ और बीजेपी का कमल खिला। तो चित्रकूट में इस बार क्या सियासी समीकरण है और इस बार यहां की जनता किन मुद्दों पर अपना ईवीएम का बटन दबाएगी, उस पर भी बात होगी। लेकिन यूपी की सियासत में जो डेली जो डेवलपमेंट चल रही है, जो उठापटक चल रही है और जो एक दूसरे पर जुबानी जंग चल रही है, उस पर भी बुंदेलखंड की इस धरती से बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्म और आस्था की नगरी चित्रकूट, जहां श्री राम ने वनवास के 11 साल बिताए, इस क्षेत्र में जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी और किसे मिलेगा अगले 5 साल का वनवास, यही जानने के लिए शंखनाद की टीम पहुंची है चित्रकूट। पिछले 3-4 दशकों से चित्रकूट की पहचान डकैतों के नाम पर होने लगी थी, लेकिन अब हालात बदले हैं। इस समय कोई भी डकैत गिरोह सक्रिय नहीं है। 2017 में दोनों सीट भाजपा ने जीती थी। चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद और मानिकपुर से आरके सिंह पटेल विधायक बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरके सिंह पटेल सांसद चुन लिए गए। इसके बाद यहां हुए उपचुनाव में मानिकपुर से भाजपा के आनंद शुक्ला ने जीत हासिल की। बीजेपी के इस मजबूत गढ़ पर विपक्षी दलों की नजर लगी हुई है। इसी मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीते दिनों चित्रकूट में महिला वोटर्स को साधने के लिए उतरी थी। प्रियंका ने इस दौरान महिलाओं के साथ संवाद करने के साथ साथ मंदिर में माथा टेका। प्रियंका गांधी ने यहां की दोनों सीट पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। चित्रकूट में मतदाताओं के समीकरण की बात करें तो यहां ब्राह्मण करीब 62,000, कुर्मी 46,000, मुस्लिम 26,000, क्षत्रिय और यादव 22,000, पाल 11,000 हैं। विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और कुर्मी उम्मीदवारों के जीत हार का खेल चलता रहता है। इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक होते हैं। कभी बीएसपी के गढ़ रहे चित्रकूट में फिलहाल बीजेपी का परचम लहरा रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर की तैयारी की है। यहां 5वें चरण में 27 फरवरी को वोटिंग है और देखना है कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। चलिए शंखनाद की शुरुआत करते हैं चित्रकूट से। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और बता दें कि हमारे साथ 2 जो मेहमान हैं वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से इस विधानसभा चुनाव में इस सीट से प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा रंजना पांडे जी से, जो कि कांग्रेस से यहां की प्रत्याशी हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, जो कि चित्रकूट से ही बीएसपी के प्रत्याशी हैं, हालांकि इससे पहले वो कांग्रेस में थे। और हमारे साथ सुभाष पटेल जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। हमारे साथ है आलोक पांडे जी, जिला महामंत्री हैं बीजेपी के। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा रंजना पांडे जी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की, आपको भी यहाँ से टिकट मिल गई और यहाँ पर रामघाट में, चित्रकूट के रामघाट में प्रियंका गांधी ने संवाद कार्यक्रम भी किया। लेकिन क्या हुआ कि 30 साल का वनवास हो गया, राम जी ने तो यहाँ पर 11 साल ही काटे थे, 30 साल का वनवास कांग्रेस के लिए कैसे यूपी में? माइक करीब रख के बोलिए। सबसे पहले तो मैं जी हिंदुस्तान को COVID-19 को देखते हुए मास्क के लिए धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया। और जो है प्रियंका गांधी जी ने इस बार जो है आधी आबादी को मौका दिया है, और जो है निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अपने दम पर सरकार बना लीजिएगा रंजना जी। अपने दम पे मतलब
अपने दम पर मतलब सीएम का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी जी हैं। गजब। अरे देखिए रंजना पांडे जी ने अभी तक, मैं जहां जहां गया हूं डिबेट करने के लिए, नेताओं से बात मैंने की है, अभी तक प्रियंका गांधी का नाम खुलकर किसी ने नहीं लिया है। भाई महिला है, हाँ हम महिला हैं तो हम तो सोचते हैं कि आपने बता दिया कि सीएम का चेहरा। अमित शाह ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी में डोर टू डोर कैंपेन किया, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। यहां वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए अब प्रचार करेंगे, पर्चा बांटेंगे। और ये वो तस्वीर है जहां काफी बेसब्री से गृह मंत्री का इंतजार हो रहा था। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आपको जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव मैं दिखा रहा हूँ, दादरी वो पहुंच चुके हैं और अब उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, जो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे उनका वो स्वागत, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए जा रहे। देखिए फूलों से फूलों की बौछार की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। अब वो इस गांव में, दादरी के इस गांव में, यहां पर वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे, अपने प्रत्याशी के लिए वो पर्चा बांटेंगे, लोगों से वो सीधे तौर पर अभिवादन लोगों का वो स्वीकार करते हुए देखिए सीधे इस गांव की तरफ वो अब यहां पर बढ़ रहे हैं। ये आपको सी हिंदुस्तान पर सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मथुरा के बाद अब गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी विधानसभा सीट पर पहुंचे हुए हैं। और यहां पर देखिए किस तरीके से हाथ हिलाकर वो लोगों का अभिवादन। अमित शाह और यहाँ पर ये देखिए ये एक भरोसा है, जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ पूरी है गायब हुआ है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में, इसके चलते जब यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे हैं तो इतनी बड़ी तादाद में लोग स्वागत में यहाँ पर सड़कों पर निकले हुए हैं। ये दादरी की देखिए इस गली में इन्हें डोर टू डोर कैंपेन करना है, लेकिन आलम ये है कि पैर रखने तक की जगह इस गली में अब बची नहीं है। अगर मैं आपको दूरी से दिखाऊं तस्वीर तो आप देखें कि किस तरीके से गृह मंत्री को मिलना चाहते हैं गौतम बुद्ध नगर के लोग, दादरी के लोग, इतनी बड़ी संख्या में। ये दिखाता है कि एक विश्वास, बीते 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीता है उत्तर प्रदेश की जनता का, और जो काम उन्होंने कर दिखाया है उसी के भरोसे आज सड़कों पर ये जनता उमड़ पड़ी है। आप देखिए किस तरीके से अगर कोई किसी और समुदाय से है तो वो बाबा साहेब आम्बेडकर की
स्मृति के साथ गृह मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मैंने आपको यहाँ से थोड़ी देर पहले एक और तस्वीर दिखाई थी मथुरा में, जब गृह मंत्री ने कहा था कि किसी जाति की नहीं है भारतीय जनता पार्टी, सर्व समाज की है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो वो तस्वीर यहाँ पर दिखी थी कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ यहाँ पर गृह मंत्री के स्वागत में काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। या आप देखिए कि भीड़ ने इस तरह से गृह मंत्री को घेर रखा है कि उनकी तस्वीर दिखाना भी जो है वो मुमकिन नहीं बन पा रहा है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री का ये पूरा डोर टू डोर कैंपेन सी हिंदुस्तान देखिए। वो देखिए उस तरफ लोग खड़े काफी इंतजार करते काफी लंबे समय से, तो गृह मंत्री वहां भी गए और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, छतों पे भी लोग जो है वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है उनसे भी बात करें। महिलाएं जो खड़ी थी उन महिलाओं से भी गृह मंत्री ने अलग से चर्चा की है। मतलब हर वर्ग के, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, मथुरा में जो तस्वीर हमें देखने मिली थी कि जब एक बच्ची हार लेकर गृह मंत्री का स्वागत करने पहुंची तो उसी हार से गृह मंत्री ने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया था, और अब वही तस्वीर कहीं ना कहीं इस दादरी विधानसभा सीट में भी आपको दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको देखिए, यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो काफी देर से इंतजार करके खड़े हैं। यहाँ पर भी जो है मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह इन लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पर महिलाएं और ये लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से अगर हम बात करें, गृह मंत्री आ तो रहे लेकिन यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो दो तस्वीरें आपको इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के कैंपेन की तस्वीर है। पश्चिमी यूपी, सबको पता है कि पहले चरण में पश्चिमी यूपी में ही मतदान होना है पहले और दूसरे चरण में। तो जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अमित शाह की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ की डोर टू डोर कैंपेन। एक तरफ दादरी गेटा नोएडा पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी तरफ बिजनौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ हितेन वहां पर मौजूद है। हितेन, ये तस्वीरें सामने आ रही है जाहिर तौर पर, इसके बाद देखिएगा क्योंकि कई पार्टियों की नजर इन तस्वीरों पर है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भाई देखिए इसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो रहा है क्या? देखिए प्रत्युष, मैं बता दूं, गृह मंत्री अकेले आए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने, उनके साथ प्रत्याशी सिर्फ मौजूद है, और तस्वीर में दिखाऊं तो बाकी सारी भीड़ है जो लोकल है वो उनके स्वागत में उतरे हुए है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी से विपक्ष के सारे सवालों के जो है वो जवाब मिल गए होंगे। लेकिन विपक्ष का काम है, वो आवाज उठाएंगे, सवाल जरूर खड़े करेंगे कि आखिरकार कोरोना के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने गृह मंत्री को घेर रखा है, और सुरक्षा कर्मी भी कहीं ना कहीं उनके साथ है। लेकिन मैं आपको प्रत्युष, जिस तरीके से मैं महिलाओं से बात कर रहा था, मैं और भी अगर कुछ लोगों से बात करूं तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है कि भाजपा में कानून व्यवस्था नहीं बनी है, आप लोग क्या कहें? सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था तो बनी है, बहुत अच्छे से बनी है, ये सच है। बहन बेटी महिला सब सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है, इसी सरकार में सुरक्षित है। बाकी सपा बसपा आई आज तक बहन बेटियों की, कह रहे कि समाजवादी पार्टी 300 से सरकार बनाएगी, क्या कह रहे हैं? उनका कहना सारे मजाक है, और जो उनका ये अफवाह है, हम 300 से पार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से भाजपा सरकार आएंगी, हम महिलाएं भाजपा सरकार में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक धर्म विशेष के प्रति ध्यान रखने का आरोप जो है भाजपा पर हर बार लगता है, आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारी बहन बेटियों को और हमारी बहुत अच्छी सुरक्षा कर रही है, इसीलिए तो आज हम यहाँ खड़े हैं सुरक्षित। ये आप तस्वीर देख रहे हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर कोई यहाँ पर गृह मंत्री के इंतजार में खड़ा है, और सबका यही कहना है कि बीजेपी सरकार
में काम हुआ है, हर बहन बेटी यहाँ पर सुरक्षित है, इसीलिए वो इतनी बड़ी संख्या में जो है गृह मंत्री के स्वागत में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये अच्छा हितेन, देखिए इससे पहले जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने देखा, आपने देखा होगा कि उन्होंने रोड शो किया था यहाँ पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और उस रोड शो में अच्छी खासी भीड़ भी थी, और उसके बाद बाकी पार्टियों के नेता भी यहाँ नजर आए। पूरा फोकस जो है इस बार पश्चिमी यूपी के इन इलाकों में सबसे ज्यादा दिख रहा है। हितेन, बिल्कुल प्रत्युष, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भाजपा का फोकस पूरी तरह इसीलिए है क्योंकि भाजपा जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला अगर जीत लिया तो आसानी से 2022 में बीजेपी 300 पार भी कर सकती है और 24 में भी जीत सकती है। प्रत्युष, ये देखिए टॉप एंगल से सीधी तस्वीर गृह मंत्री पर्चा बांटते हुए जी हिंदुस्तान पर हम आपको दिखा रहे। देखिए गृह मंत्री जो है इसी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, उन्हें पता है पूरी तरह के उत्तर प्रदेश की जनता की सोच विचार क्या है, वोटर क्या सोच के वोट देते हैं, तो वो बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की रणनीति बनाते हैं। देखिए ऊपर देखकर लोगों का अभिवादन भी वो लेते नजर आ रहे, इसीलिए वो खुद मैदान में उतरे हैं। उन्हें पता है कि पहले चरण में अगर जीत हासिल कर ली तो उसके बाद बाकी जो 6 चरण है उन 6 चरणों में आसानी से जीत पाएंगे, इसीलिए वो अभी मेहनत कर रहे हैं। और सभी को उतार रखा है। पश्चिमी यूपी का पहला चरण और दूसरा चरण, पश्चिमी यूपी का हितेन, पश्चिमी यूपी का पहला और दूसरा चरण इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार पश्चिमी यूपी की 136 में से लगभग सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 27 सीट ऐसी थी जो बीजेपी जीत नहीं पाई, और उसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, ये जो मंडल है वहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। पश्चिमी यूपी का प्रभार अमित शाह के पास है, यहाँ पर वो कैराना जाते हैं, मथुरा जाते हैं, और आज वो गाजियाबाद पहुंचे हैं। शायद इस किले को बचाने की कवायद भी है कि जो हमारे पास पहले से है उसको कम से कम मजबूत रखा जाए। बाकी 27 किले सीएम योगी आदित्यनाथ उन इलाकों में जाते नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए जो खुद की सुरक्षित सीटें हैं उसको और मजबूत करने के लिए वो खुद मैदान में है, और योगी आदित्यनाथ समेत बाकी अन्य नेताओं को जो है वो जो बची हुई 20 से 27 सीटें हैं वहां पर उतार रहे। मैं आपको बता दूं आगे आने वाले दिनों में उन बची हुई 27 सीटों पर भी गृह मंत्री जाएंगे और वहां भी प्रचार करेंगे, लेकिन अभी वो जो सीटें जीती थी भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो 136 में से कुछ 110 के आसपास करीब थी, वो 110 सीटों पर वो लोगों का भरोसा लेने के लिए निकले हैं कि आखिरकार जो बोला था वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया, जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ, क्या भरोसा करते हो या नहीं, ये विश्वास लेने के लिए निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ है, उनके जो सुरक्षा कर्मी है, देश के गृह मंत्री है, तो निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा जो है उतनी ही मुस्तैद होती है। तो आप देखिए उनके सुरक्षा कर्मियों को भी कितनी दिक्कत हो रही है, ये पूरी तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर गृह मंत्री जो है वो इस तरीके से पब्लिक के बीच जाकर वो पूरा भरोसा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यही तस्वीर कैराना में भी दिख जी। ठीक है हितेन, आप हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। ग्रेटर नोएडा में अमित शाह इस वक्त मौजूद है, राजनाथ सिंह का भी अभियान चल रहा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चूंकि कुछ यहां पर पाबंदियां, हालांकि चुनाव आयोग ने थोड़ी सी छूट दी है कि 5 की जगह 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, और उसके बाद 28 तारीख से छोटी मोटी रैलियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी निर्धारित किया गया संख्या कि 400 से 500 लोग, उससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते, लेकिन रोड शो और बड़ी बड़ी रैलियों पर अभी भी पाबंदी रहेगी। सभी पार्टियों को इन पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए अपना कैंपेन पूरा करना है। तो इस वक्त लोगों के पास पर्चा बांटने के लिए अमित शाह, जिन
जिनके पास खुद पश्चिमी यूपी का प्रभार है, पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर है, लगातार वो इसके लिए जुटे भी हुए हैं। और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दादरी की, गेटो नोएडा की, यहाँ पर वो डोर टू डोर कैंपेन के तहत निकले हैं। इससे पहले आपने सुबह देखी थी तस्वीर जहाँ पर मथुरा में बांके बिहारी मंदिर वो पहुँचे, वहाँ पर पूजा अर्चना की, उसके बाद फिर वहाँ पर भी कुछ लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की और अब इस वक्त वो यहाँ पहुँचे। बिजनौर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन के तहत। चलिए, मैं चूंकि इस वक्त बुंदेलखंड के चित्रकूट में हूँ और अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूँ जल्दी से और उसके बाद मैं अपनी डिबेट पर आता हूँ। मैं चाहूँगा सुभाष पटेल जी, चूंकि तस्वीरें आपने देखी, पश्चिमी यूपी इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी बहुत टफ फाइट है, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? अमित शाह लगे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह लगे हुए हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। प्रत्युष जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का इतिहास रहा है कि जहां जहां वो पर्चे बांटे हैं वहां वहां बीजेपी बुरी तरह हारी है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, बीजेपी बुरी तरह हारेगी और मुख्यमंत्री योगी मठ को जाएंगे। जहां जहां अमित शाह ने पर्चे बांटे वो सीट बीजेपी हार रही है, इतिहास हार रही है। आलोक पांडे जी, पहले तो मैं जी हिंदुस्तान का माइक लेके हाथ में, पहले मैं जी हिंदुस्तान का कोविड प्रोटोकॉल के साथ इस डिबेट के लिए धन्यवाद करता हूं। मनमोदक खाने के लिए मैं विपक्षी साथी को रोक नहीं सकता, शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से भी मैं इनको रोक नहीं सकता, लेकिन यह अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 के चुनाव में ये परिवार की 5 सीटें जीत पाए, 2017 के चुनाव में ये 47 सीटों पर सिमट गए और 2019 के चुनाव में भी ये बामुश्किल परिवार की 5 सीटें ही बचा पाए। 2022 का चुनाव, ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं, 403 में से 5 सीट, हाँ 403 में से 5 सीटें, ये मैं 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े बता रहा था। अब 2022 के चुनाव में मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ये सारे विपक्षी दल मिलकर, मेरे सारे साथी जो मेरे साथ खड़े हैं, ये सारे विपक्षी दल मिलकर 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। सारे विपक्षी दल मिलकर 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, यह पूरी तरह से, क्योंकि जन जन की आस, भाजपा पर विश्वास, जन समर्थन, जन विश्वास भाजपा के साथ है। आपको भी समेट दिया बीजेपी ने कि सब लोग मिलकर, मतलब एसपी बीएसपी कांग्रेस नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि 5 सीट सिर्फ यही जीत पाएंगे, तो बीएसपी के लिए कुछ छोड़ी कि नहीं छोड़ी आपने? देखिए, बीएसपी 2017 के चुनाव में कितने फिगर पा चुकी है, दबा रहा है इस क्षेत्र में, बीएसपी का इतने हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, जाति वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले दलों को जनता 2014 से नकारती जा रही है। पुष्पेंद्र जी, आप 2014 में शून्य पर थे, सपा की संजीवनी मिली। बोलिए 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 बोलिए, माइक कैसे लगा के बोलिए। मैं जी न्यूज का आभारी हूँ कि प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने, कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने जो है मास्क दिए हम लोगों को। ऐसे माइक कैसे रखिए। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा खेद है कि आपने ब्रेकिंग न्यूज के तहत जो हमें न्यूज दिखाई उसमें हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का एक भी पालन नहीं किया। आज विपक्षी दलों के ऊपर मुकदमे कायम हो रहे हैं, क्या सच्चाई है आप बता सकते हैं? आपके एंकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अमित शाह जी अकेले आए थे, इतना बड़ा झूठ, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। आपके एंकर ने वहां, जब आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, तो आपके एंकर ने कहा कि अमित शाह जी यहाँ पर अकेले आए हैं, ये सरासर गलत है और इस पे जो है, मतलब जो है, मैं दुख प्रकट करता हूँ इस तरह की जो है, मतलब पार्शियलिटी। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है पक्षपात कर रहा है क्या? जी हाँ, पक्षपात कर रहा है चुनाव आयोग, पक्षपात कर रहा है। अभी अभी एक पड़ोस के विपक्षी जो है, क्योंकि देखिए हमारे, क्योंकि बीजेपी के भी कई कैंडिडेट पर चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज किया। नहीं, कैंडिडेट नहीं, आप नेता की बात करिए, आपने खुद देखा है अमित शाह जी ने मास्क नहीं लगा रखा। पूरा हक है आपको, पूरा हक है, और पूरा हक है जिनको चुनाव आयोग से शिकायत करनी है, वो चुनाव आयोग से, नेताओं के प्रचार में अगर लग रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, जितनी संख्या सीमित है उससे ज्यादा लोग लेकर के आ रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, जाकर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल आपका ये है, ये कह रहे हैं कि जीरो पर आप,
जीरो पर, जीरो पर, जीरो पर हम हैं। 2007 में भी हमें जीरो में आका जा रहा था और क्यों हर मीडिया ने, किसी भी मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी को बड़े हल्के में लेके कहा था कि यहाँ पर है ही नहीं है, लड़ाई सिर्फ भाजपा और सपा की है। और 2007 में हमारी बहन मायावती जी ने फुल फ्लेज सरकार बनाई थी। आज भी हमारा दावा है, अगर आप 12 में क्या हो गया था, 12 में, 12 में, 12 में एक लहर थी, झूठे वादे थे, झूठे सपने थे, बेरोजगारी और जो है भ्रष्टाचार पर बात करने वाली पार्टी। हाँ। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात करने वाली पार्टी आज ना तो भ्रष्टाचार की बात करती है। 12 में झूठे वादे थे, फिर 17 में क्या हो गया, फिर 17 में क्या हो गया, झूठे वादे थे, फिर झूठे वादे आ गए। अरे झूठे वादे एक पहली पार्टी ने किया, इस बार दूसरी पार्टी ने किया। तो आपके वायदों, आपके वायदों को जनता बार बार क्यों नकार रही है? हम वादे नहीं करते, इसलिए नकार रही है जी। नहीं, हम वादे नहीं करते, हम काम करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं। रंजना जी ये कह रहे हैं 12 में भी झूठे आ गए, 17 में भी झूठे आ गए, दोनों बार इनकी बात जनता ने नहीं सुनी, आपको तो 30 साल से लोग नहीं सुन रहे हैं, कहे ऐसा हो रहा है? अब भाई इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ऐसी हालत क्यों उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में? अरे गलतियां देखिए सबसे हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो है इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी नहीं है। अखिलेश यादव के लिए तो छोड़ दीजिए जगह आप। नहीं 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 छोड़िएगा, किसी के लिए कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में, केवल प्रियंका गांधी जी। नहीं, अच्छी अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए भाई, चुनाव आप जीतने के लिए ही लड़ते हैं। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में, आप हाल देख लीजिए खरे जी, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी भारत की आजादी के इतिहास के बाद सबसे ज्यादा है। आप देख लीजिए इलाहाबाद की घटना, कैसे छात्रों को पीटा जा रहा है, आप देख लीजिए, आप मंत्री का बेटा लखीमपुर खीरी में कार से रौंद रहा है, आप देख लीजिए रात में किरोसिन से बेटी जलाई जा रही है हाथरस में, ये क्या हो रहा है? यहाँ इन्होंने जो भी इनका भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी का हर वादा जुमला निकला, हर वादा जुमला निकला। आज किसान, नौजवान, बेरोजगार, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बड़ी समस्या है अन्ना प्रथा की, चित्रकूट की, पूरे बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में जगह जगह पर आप भी आए होंगे, आप देख लीजिए गाय माता को, ये गाय माता कहते थे, आज वो सड़कों पर, ये आवारा पशुओं की तो बहुत बड़ी समस्या है, ये सिर्फ चित्रकूट की नहीं, जहां जहां से मैं गुजरा हूं वहां पर ज्यादातर लोग परेशान है, खास तौर पर किसान भाई लोग रात को टॉर्च लेके घूमते रहते हैं, हाथ में डंडा लेकर के, कि जानवर से उनकी जो पशु, आवारा पशु है, कहीं खेतों को नुकसान ना पहुंचा दे, कई बार तो हादसे भी हो जाते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है, एक बड़ा मसला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो बुंदेलखंड के कुछ मुद्दों पर होगी बात, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद चित्रकूट से, हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं मेहमानों के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं भी लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश का सीएम रहा, लेकिन मुझसे ज्यादा अच्छे सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने भी काफी समय यूपी में गुजारा बतौर सीएम, लेकिन मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में, आपको सुनाते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी हमसे योग्य मुख्यमंत्री है, और जो भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर मैं कह रहा हूं, नाप तोल कर मैं कह रहा हूं। अजब सुभाष पटेल जी, मोदी जी ने, हाँ मोदी जी ने पहले ही पैदल कर दिया है मुख्यमंत्री जी को, आप देखे हाँ। होंगे अच्छा वो गाड़ी वाली तस्वीर, सुभाष जी हाँ, कुछ प्रोटोकॉल भी पता है या बस कौआ कान ले गया वाली परंपरा पर, कौआ कान ले गया, कौआ कान, लेकिन खूब उसमें पीछे उसमें खूब मजा लिया समाजवादी पार्टी ने मेरा, और जो यूपी में गाना भी खूब चल रहा है, दनादन चल रहा है, यहाँ भी मैंने चित्रकूट में वो गाना सुना, यूपी में काबा, तो उसका जवाब दिया गया, यूपी में सब बा, खूब चल रहा है काबा, यूपी में बेरोजगारी बा, यूपी में महंगाई बा, यूपी में भ्रष्टाचार बा, यूपी में नवयुवकों के लाठी बा, हाँ। और यहाँ पर जगह जगह इस बुंदेलखंड में जगह जगह गाय माता रोडों पे घूम रही है,
इनके पास विकास के नाम का कोई जवाब नहीं है। हाँ। बेरोजगारी पर आप देख लीजिए आजादी समाजवादी पार्टी का विकास से दूर दूर तक वैसा ही नाता है, दूर दूर तक वैसा ही नाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पूरे प्रदेश जैसे में पूरे खंड में जैसे लुटेरे का लूट से इनकार का नाता है, छह बार समाजवादी पार्टी चार बार उत्तर प्रदेश की सरकार चला चुकी, कांग्रेस 17 बार सरकार चला चुकी, बसपा 4 बार सरकार चला चुकी और आज भी यह विकास के लोग 4 बार सरकार गरीबी के नाम पर पिछड़ों के उत्पीड़न के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम के नाम पर ये उत्तर प्रदेश में सरकार काम नहीं किए। आप उत्तर प्रदेश बार बार आलोक पांडे जी ये बार बार ये मसला उठता है जो बीजेपी की तरफ से समर्थक नारे जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक राम उत्तर राम पथगमन का किसने निर्माण कराया? आबादी चित्रकूट भारत का सौंदर्यीकरण किसने कराया? भूमि है ना राम जी की, 11 साल वनवास के राम जी ने यही काटे। यहाँ का उसके लिए कौन बनवाया? राजापुर कौन दिया? कनकोटा का पुल कौन बनवाया? साईपुर का कौन पुल बनवाया? बरेठी का पुल कौन बनवाया? ये मुझे आप बताइए। हम उनके साथ यहाँ से रहेंगे किला और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के किला का जी दर्द। अच्छा एक सेकंड राम की जरूरत तो पुष्पेंद्र जी बीएसपी को भी कहीं ना कहीं पड़ी है गई। राम की जरूरत सबको पड़ती है, सबको पड़ती है। जरूरत इस देश में हर नागरिक को है, हर पार्टी को भी पड़ती है, हर नागरिक को है, हर नागरिक को हर पॉलिटिकल पार्टी को राम को लाने वाले राम के नाम का सौदा करते हैं। और रही बात भाजपा की तो बुंदेलखंड की भी हमने बात की थी कि बुंदेलखंड की बात होगी, बुंदेलखंड का नागरिक एक एक सीट 19 की 19 विधानसभा सीटें भाजपा को दे दिया, लेकिन भाजपा वालों ने इस बुंदेलखंड की धरती के किसी भी लाल को इस लायक नहीं समझा कि प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बनाता। इससे ज्यादा बुंदेलखंड की आलोक पांडे जी चुभता हुआ सवाल पूछ दिया, चुभता सवाल पूछ दिया। 19 के 19 विधायक, 19 के 19 विधायक पूरे बुंदेलखंड के विधायक आपके। प्रत्युष जी सौदे से याद आया कि जब बसपा सत्ता में रहती है तो सार्वजनिक संपत्तियों का सौदा करती है, जब बसपा सत्ता पर रहती है। सवाल का जवाब दे दिया, इस सवाल का जवाब गोल कर गए आलोक पांडे। एयर इंडिया बेची गई, एयर इंडिया 8,000 करोड़ में बेची गई और इन्होंने सरकार 8,000 करोड़ का 600 मिलियन लिए, जो पूर्व दो विमान लिए इन्होंने, पूरी एयर इंडिया बेच करके इनके प्रधानमंत्री आपने लिए। यूपी में काबा की बात हम कर रहे थे, बड़ी खबर यह आ रही है यूपी में काबा की जंग अब बहुत ही तेज हो चली है। विपक्ष को मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब दिया है, दबंगों में खौफ योगी सरकार की उपलब्धि है, फिर से योगी सरकार बा ये सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं। आपको सुनाते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा है। यूपी में काबा की जो बात चल रही थी, अब देखिए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि यूपी में फिर से बीजेपी बा, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से यूपी में योगी सरकार बा। आप तो अपनी बात कर रहे हैं, रंजना पांडे जी को भी थोड़ा मौका दे। हाँ बिल्कुल नहीं, यूपी में प्रियंका गांधी बा, यूपी में प्रियंका गांधी बा, प्रियंका गांधी बा तो है ही है। हाँ है, वो तो है ही है। बेरोजगारी, प्रियंका जी पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। अच्छा एक सेकंड पटेल जी नारा कहते हैं ना कि यूपी में नारों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक नारे। 2022 में अभी और चल रहा है नारा कि भाई अयोध्या और काशी हुई हमारी, अब है सुन लीजिए, आप है मथुरा की बारी। एक मैं किसी से बात कर रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता ने एक कार्यक्रम में कहा कि अब कटोरा थमाने की बारी, ये कह रहे बीजेपी वाले अब कटोरा ही थमाने वाले हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। बीजेपी ने कटोरा थमाया है वंशवादी राजनीति करने वालों को, वंशवादी बीजेपी ने कटोरा थमाया है, जातिवादी राजनीति क्या है, बीजेपी ने कटोरा थमाया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को। बीजेपी एक कौन सा नेता जिसका परिवार में नहीं है, तन पर कपड़े नहीं थे, उसके सर पर पक्की छत लाई है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उसे दो वक्त की रोटी दी है और बहन बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित सुरक्षा का सबसे ज्यादा बेरोजगारी भाजपा के समय में है, सबसे ज्यादा स्वीकार किया है युवा सरकार में, यूपी सरकार में जितने भी एग्जाम हुए, नौजवान भाई पूछिए
वो सब उनके पेपर लीक होते हैं और दोबारा उसी कंपनी को दोबारा फिर कैसे जान दिलाया जाता है। सपा बसपा की गठबंधन सरकार में 2 जून 1995 का दिन ना पुष्पेंद्र जी भूलेंगे, अरे कुछ ना संतोष जी भूलेंगे, भूल चुके हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुद्दे पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, महंगाई पे आइए, महंगाई बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की बात करिए, बुंदेलखंड की सरकार तो दो गुनी है, बुंदेलखंड बनाएंगे, लग रहा है कि रोड शो और रैलियों में जो पाबंदी लगी है ना, सारा कसर ये लोग यही निकाल लेंगे, पूरा कसर यही निकाल लेंगे। सरकारी संपत्तियां बेचने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनके प्रधानमंत्री जी को है। सरकारी संपत्तियों को एक बात बताइए, बड़ी अच्छी बात है, ये बार बार कह रहे हैं कि आप फोकस कीजिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, पलायन पर फोकस कीजिए, लेकिन ऐसा रंजना पांडे जी ऐसा काहे हो रहा है कि इन मुद्दों से डाइवर्ट होकर के कोई कह रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान जिन्ना जिन्ना, ये कहते हैं जालीदार टोपी, ये कह रहे हैं मथुरा की बारी, काहे ऐसा रंजना जी, काहे ऐसा, मतलब काहे ऐसा आए मतलब, अरे भैया आप देखिए भैया देखिए भ्रष्टाचार चरम पर है, किसी को यहाँ रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पे है, महंगाई जिस तरह आज है आज तक कभी इस तरह महंगाई नहीं आई है, हर जगह समझ लीजिए लोगों को सताया जा रहा है भैया, किसी मुद्दे पर ये विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, इन्होंने विकास की बात की, ये वोट बैंक मैं जनपद चित्रकूट में इनके राजमान थे, इनके राजमान थे, परिवारवाद के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए भी रास्ता सही नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा राजनीति कर रही है, 2014 के बाद एक भी वोट नहीं, विकास के वोट नहीं है, मैं यहां पर उन्होंने क्या किया को चैलेंज कर रहा हूं, क्या किया इन्होंने, बिल्कुल हां, तो चित्रकूट का एक विकास बता दीजिए, इन्होंने शिलान्यास, आप किसी गरीब से पूछिए, आप किसी दलित से पूछिए, आप किसी महिला से पूछिए, अरे रोड बताइए ना कौन सी रोड सही है, सिर्फ 3 तरह के महिलाओं से पूछिए, इलेक्शन हराने के 3 महीना, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया हमने बुंदेलखंड में हमने अर्जुन सहायक परियोजना ले आए, हम यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, अरे हम यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनवा रहे हैं, अब एक चुपता हुआ सवाल मैं सभी पार्टियों से पूछूंगा, रंजना जी अभी आप रुक जाइए, आप तो 30 साल से नहीं है, लेकिन जो उससे बात के लोग हैं, मैं बीएसपी से पूछता हूँ, आपके समय में यहाँ पर कितने अस्पताल थे बुंदेलखंड में, चित्रकूट की बात की, चित्रकूट में अभी कितने हैं, चित्रकूट का अस्पताल यही बनाया, जिले बनाया बीएसपी ने, हाँ यहाँ का पूरा जो है अस्पताल बनाया, समय का बना अस्पताल चल रहा है, जी हाँ, सहयोग से आवाज सुन लीजिए, आज स्थिति क्या है, आज स्थिति क्या है, अब देखिए कितना अस्पताल बनवाया बीजेपी ने 5 साल में, यहाँ जनपद चित्रकूट के, हाँ इसी अस्पताल में जिला चिकित्सालय जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, अरे हाँ कुत्ते भूखते हैं, अप्रैल 2017 के पहले आदरणीय पुष्पेंद्र जी सुनना पड़ेगा आपको, सुनने की क्षमता रखिए, सुनना पड़ेगा आपको, अप्रैल 2017 से पहले सिजेरियन सर्जन की नियुक्ति तो थी, सपा की सरकार बसपा की सरकार में सर्जन की नियुक्ति रही है, लेकिन एक भी सर्जरी नहीं होती थी, अप्रैल 2017 19 मार्च 2017 की तारीख उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास की ऐतिहासिक तारीख है, और इसीलिए अप्रैल 2017 से आपको सिजेरियन प्रसव भी की सुविधा मिलती है, एनआईसीयू के बेड भी हैं, और वहां पर सर बिल्डिंग खड़ी करने से हॉस्पिटल नहीं चलते, जिला अस्पताल में मात्र 4 डॉक्टर संसाधन देना पड़ता है, जिला अस्पताल में मात्र 4 डॉक्टर, आप जाकर देख कर आइए, अस्पताल की इमारत तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अंदर डॉक्टर नहीं है, अरे नहीं उत्तर प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज, 33 नए मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में आजादी के पूर्व से लेकर 2017 तक आ चुके हैं, 13 मेडिकल कॉलेज और सिर्फ जोर जोर से फॉर्म चलाते हैं, 33 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 मेडिकल कॉलेज माननीय पुष्पेंद्र जी बुंदेलखंड से कैबिनेट मंत्री मिल जाएगा ना इस बार, बुंदेलखंड की बात मिल जाएगा ना, कैबिनेट मंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी,
भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बुंदेलखंड बुंदेलखंड विकास चाहता है। चलिए, चलिए, समय 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 यहीं पर इजाजत दे रहा है, इससे यहीं पर समाप्त करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ने के लिए। तो शंखनाद में चित्रकूट से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जगह पर, एक नए विधानसभा क्षेत्र में, और वहां से हम करेंगे शंखनाद और समझने की कोशिश करेंगे वहां के सियासी मिजाज को। आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।